तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जानेंगे। आज का जो ये वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। तो देखिए, आज का जो ये वीडियो है वो बिहार आईटीआई में या फिर ऑल ओवर इंडिया के आप बात कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बारे में कि वहाँ पर जो उस लेवल पे जो आपका आईटीआई का एग्ज़ाम हुआ था उससे बहुत बच्चों हैं जो वो इंटर का एग्ज़ाम दिए थे, आईटीआई से रिलेटेड इंटर का एग्ज़ाम दिए थे, जिनका जो था एग्ज़ाम हो चुका था और रिजल्ट जो था काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, तो वो रिजल्ट जो है यहाँ पर अब आ चुका है आज के दिन। ठीक है, तो उस रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे हम लोग, ये जानकारी यहाँ पर आप लोग को देंगे। और उससे पहले कि आप लोग को हम एक ज़रूरी जानकारी ये भी देंगे कि इसमें जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है पास हुए हैं, बहुत सारे फेल हुए हैं, और उनको आखिर करना क्या पड़ेगा आगे और क्या नहीं करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन में एडमिशन अभी बहुत जगहों पे बंद हो गया है, तो उन वो बच्चे क्या करेंगे, उनका 1 साल गैप है या नहीं, इस तरीका से जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो में बने हुए रहते हैं। तो देखिए, बिहार आईटीआई से रिलेटेड ये वीडियो है, ये आप लोग समझ गए होंगे। और लैंग्वेज का जो रिजल्ट है वो आ गया है। ठीक है, लैंग्वेज का रिजल्ट क्या हो गया, आ गया है। तो आप लोग का जो लैंग्वेज पेपर में जो हिंदी और इंग्लिश का सिर्फ एग्जाम हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं हुआ था, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आप लोग मतलब कि जल्दी जाइए और वहाँ पर जाके अपना रिजल्ट चेक करिए, और अपना रिजल्ट को जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो कितना नंबर आया है, कितना परसेंटेज आया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम इस वीडियो में ये भी आप लोग को बताने वाले हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो आखिर हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए आप लोग को उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको आखिर चेक कैसे करेंगे, आप लोग को मेरे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर हम ये लिंक आप लोग को दे दिए हैं कि रिजल्ट का जो लिंक है मतलब कि कहाँ से चेक होगा, वहाँ पर आप लोग जाइए, लिंक पे क्लिक करिए। और वहाँ पर जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, वहाँ पर जाने के पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिंक वहाँ पर है आपका दिया हुआ, सीधे आपका खुल जाएगा। पहले तो आपको रोल कोड वहाँ पर देना है। ठीक है, रोल कोड, उसके बाद आपको देना है सेकेंड नंबर में रोल नंबर आपको देना है, थर्ड नंबर में आपको DOB देना है। ठीक है, तो देखिए रोल कोड, बहुत बच्चों का दिक्कत होगा कि रोल कोड कौन सा देना है, तो रोल कोड कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है आप लोग का आईटीआई का जो कोड है वहाँ पर आईटीआई का आप लोग को एक कोड दिया गया होगा, वही एक रोल कोड है। ठीक है, एडमिट कार्ड में आप लोग जाके वहाँ पर देख लीजिए, सभी आईटीआई का अलग अलग रोल कोड है, तो वो आप लोग का कोड दिया हुआ है। उसके बाद रोल नंबर आपका जो दिया हुआ है वही एडमिट कार्ड में ही आपका दिया हुआ रहेगा। ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो आप लोग को कहाँ दिया रहेगा, आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, एडमिट कार्ड में आपको दिया हुआ रहेगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग जाइए और अपने एडमिट कार्ड में देखिए। उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए और जाइए डायरेक्ट लिंक वहाँ पर खोल के अपना सारा रिजल्ट देख लीजिए। और रिजल्ट जो है वो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा वो महत्वपूर्ण रिजल्ट दिया हुआ है, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं अभी, क्योंकि वो अभी इंटर का एग्ज़ाम ही इसे दिए हुए हैं, तो उन बच्चों को है जो ग्रेजुएशन में, मेरे ख्याल से बहुत जगहों पे ग्रेजुएशन में एडमिशन बंद हो चुका है, तो उन लोग का जो है एडमिशन इस साल मेरे ख्याल से नहीं होगा, बहुत जगहों पर स्पॉट एडमिशन बचा हुआ है, तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप लोग लेट ना करें, जाइए जल्दी से जल्दी वीडियो मतलब कि देख कर अपना लिंक से डाउनलोड करिए, और जितना से जितना जल्दी हो सके अपने आसपास के जो कॉलेज है अपना उसमें जाके अपना एडमिशन करवा लीजिए, ताकि जो है आपका 1 साल गैप ना हो सके। ठीक ना, तो इस वीडियो में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला ये वीडियो था, और ये वीडियो मतलब कि कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।